बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से तीन ऐसी एक्शन फिल्में आ रही हैं जो कि बॉक्स ऑफिस की तकदीर बदल के रख सकती हैं। ट्रिपल एस के कंधों पर है सारा बोझ। शाहरुख खान की पठान बॉक्स ऑफिस पर जम के गड़ता उड़ा रही है भाई। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए 2022 बहुत ही खराब समय रहा है। सिर्फ तीन फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का स्वाद चख सकी है। अक्षय कुमार से लेकर आमिर खान तक सबकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पस्त रही, लेकिन 2023 में बॉलीवुड की गुड न्यूज आ सकती है। इस साल बॉलीवुड के सभी दिग्गज सितारे अपनी अपनी फिल्में लेकर तैयार बैठे हैं, लेकिन तीन ऐसी एक्शन फिल्में हैं जिन पर नजर सबकी है जो कि पठान की तरह बॉक्स ऑफिस की तकदीर बदल सकती है। आर यू नो डैट की साल 2023 की सबसे बड़ी तीन एक्शन फिल्में ट्रिपल एस के कंधों पर है। ट्रिपल एस नाम सुनकर आप हैरान हो सकते हो, यह ट्रिपल एस और कोई नहीं सलमान खान, शाहरुख खान और सनी देओल है। आइए एक बार नजर डालते हैं इनकी आने वाली फिल्मों पर। शाहरुख खान की पठान ने 2023 में बॉक्स ऑफिस पर कहर बरसा के रख दिया है। 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। भारत में ही 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया। और उनकी अगली फिल्म है जवान, जिसे कि एटली डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति और नयनतारा भी हैं। फिल्म का प्रोमो ही पहले धूम मचा चुका है। इस पर पठान की सफलता को देखते हुए फैंस को काफी उम्मीदें हैं इस मूवी से। एंड सेकेंड वन इज सलमान खान की टाइगर सीरीज की अगली फिल्म इसी साल रिलीज हो रही है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ की सुपरहिट जोड़ी नजर आएगी। वैसे तो हम टाइगर का जादू देख ही चुके हैं पठान में। शाहरुख खान की पठान फिल्म में कैमियो था सलमान खान का, जो कि फैंस को बहुत ही पसंद आया। एंड थर्ड वन इज सनी देओल की गदर मूवी, जो कि 2001 में आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर गदर ही मचा के रख दिया था। अनिल शर्मा की इस एक्शन फिल्म को दर्शकों से बहुत प्यार मिला और लंबे समय के बाद इसके सीक्वल का इंतजार किया जा रहा था। और 22 साल के बाद कमबैक कर रहे हैं सनी देओल और उनके साथ अमीषा पटेल। फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है और एक बार फिर से सनी देओल जमकर कहर बरसाने वाले हैं। और फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।